34 दूसरा अधिकार पेज नंबर 34-35 शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। कल अपन ने पढ़ी थी कि ये शुद्ध ज्ञान कितना पराधीन है, किसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान जो है किस प्रकार से पराधीन है, ये बात अपनी हुई थी। शुद्ध ज्ञान जो है वो मुख्यतः से जो सुना जाता है उसकी अपेक्षा से है। श्रूयते इति श्रुतम्, श्रूयते माने जो सुना जाता है वो श्रुत है। श्रुत ज्ञान में सुनने की मुख्यता है। तीर्थंकर आदि देव वो सुनते हैं, जो सुना जाता है वो श्रुत है। आगम सुना जाता है जिनवाणी, तो इसलिए वो जिनवाणी भी सत्य कहलाती है, शुद्ध ज्ञान। ठीक है, उसी की मुख्यता सारा निरूपण है शुद्ध ज्ञान के अंदर, क्योंकि जीव के लिए कल्याणकारी वही है। अब देखो आगे, अवधि ज्ञान, मनभ्रय ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। अवधि ज्ञान, अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान की परिभाषा दी यहाँ पे, अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर, केवल क्षेत्रीय काल का प्रमाण नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चारों का प्रमाण लेकर, मैंने इन चारों की अपनी एक मर्यादाएं हैं। मैंने क्षेत्र का एक प्रमाण है कि इतने क्षेत्र की बातों को जानेगा, काल का भी एक सीमा है, प्रमाण है उसका, उसकी मर्यादा है कि इतने ही काल की बातों को जान सकेगा। तो क्षेत्र काल की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जिसके द्वारा जाना जाता है वो क्या है, अवधि ज्ञान। अपन दूसरी पर परिभाषा इसको सरल रूप से कहें तो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को जानता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या कहा, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए, मर्यादा है इसके अंदर, और किसको जानता है, रूपी पदार्थ होगा, अवधि ज्ञान। तो एक तो ये रूपी को जानता है, रूपी का मतलब क्या है, उद्गल को जानता है। उद्गल के अलावा अन्य द्रव्य को अवधि ज्ञान नहीं जानता है, क्योंकि रूपी केवल उद्गल द्रव्य ही है। एक बात तो ये होगी, ये रूपी पदार्थों को ही जानता है। दूसरी बात कि इसमें सीमा, इसका दूसरा नाम है अवधि का नाम होता है सीमा, अवधि सीमा, इस अवधि में लौटा देना, इतनी सीमा है, इस अवधि से बाहर मत चले जाना। अवधि मतलब सीमा भी कहते ना अवधि को, तो इसका दूसरा नाम सीमा ज्ञान भी है अवधि ज्ञान का, क्योंकि एक इसकी एक सीमा है, इसकी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा से बाहर वो नहीं जा सकता। और वो मर्यादा चार प्रकार से निश्चित होती है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। मैंने क्षेत्र की एक मर्यादा है कि ये उद्गल को जान तो सकता है ये, लेकिन इतने क्षेत्र में वो उद्गल होगा स्थित तो ही जान सकेगा, अन्यथा नहीं जान सकेगा। ऐसे भूत भविष्य अतीत अनागत काल की बातों को तो जान सकता है, लेकिन इतने एक निश्चित अतीत काल की और निश्चित अनागत काल की बातों को जान सकेगा, उससे पहले के अतीत काल और उससे बाद के अनागत काल को नहीं जान सकते। एक सीमा है भाव की, क्षेत्र की, काल की, सबकी सीमा है।
मैंने भाव मैंने कितनी पर्यायों को जान सकेगा, कितनी सूक्ष्मता से जान सकेगा, कितने क्षेत्र की जान सकेगा, इसकी सीमा जानता तो वो रूपी पदार्थ को ही जानता है, और दूसरी बात वो इंद्रियों के बिना जानता। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से प्रवर्तित होते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है। अवधि ज्ञान बिना इंद्रिय और मन के अवलंबन के जानता है, वो सीधा आत्मा के प्रदेशों से जानता है, और यही कारण है कि अवधि ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, और अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान केवल ज्ञान ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष माने इनमें पर ऐसी इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ये सीधे आत्मा से जानता है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष कहा है। प्रति माने नियत, अक्ष माने आत्मा, जो आत्मा से नियत आत्मा से सीधे जानता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, इसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए नहीं तो दूर क्षेत्र की बातों को बिना इंद्रिय के कोई कैसे जानेगा, यदि ये इंद्रिय मन से जानता होता तो ये दूर क्षेत्र की बातों को नहीं जान सकता। दूर क्षेत्र की बातों का आप विचार करो, बैठे बैठे अमेरिका की बात, अमेरिका की चीज टीवी से देखने की वाली बात नहीं करते, बिना टीवी के यहाँ बैठे अपन मन चिंतन कर सकता है कुछ भी अमेरिका का क्या? अमेरिका इनको समझ लो कोई भी ऐसी कंट्री है जो अपन ने कभी नाम भी नहीं सुनी हो, जैसे युगांडा गए कभी क्या, उरुग्वे पेरुग्वे क्या क्या नाम है पूछे। अब ये जो देश है यहाँ अपन गए नहीं है, अब अपन यदि इनको जानने गए तो अपन मन से जानेंगे तो कुछ काल्पनिक ही जानेंगे, कोई कोई सच्चा तो होगा नहीं, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है और यथार्थ नहीं। ये अवधि ज्ञान तो यथार्थ है, ये भी झूठा नहीं है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान तो जैसे वह पदार्थ होते हैं वो उनको वैसा ही जानता है, तो अब वो वहां दूर स्थित पदार्थ को जानेगा तो इंद्रिय और मन से कैसे जानेगा, क्योंकि इंद्रिय और मन दूर स्थित पदार्थ को जान ही नहीं सकते क्या? अभी अपनी इंद्रियों की सामर्थ्य तो इस कमरे जितनी है समझ लो, इस कमरे के बाहर किसी को जान सकती है इंद्रिय? आंख की सामर्थ्य कितनी है? ज्यादा से ज्यादा होगा उस कमरे में, वो वहां जो कमरे में जो दूर भी स्थित होगी उसको जान लेगा, उस कोने की चीज को, उस कोने की चीज को, उस कोने। इस कमरे के बाहर की चीजों को इंद्रिय ज्ञान जान सकते हैं? आंखें इस कमरे के बाहर की बातों को देख सकती है? रसगुल्ला चखना हो, रसगुल्ले का स्वाद लेना हो तो दूर स्थित है वो, देखते रहो उसको घंटे भर तक देखते रहो उसका स्वाद आ जाएगा। गुलाब की फूल है अपने बगीचे में खिल रहा है, यहाँ बैठे बैठे उसकी गंध आ सकती है? ऐसे शब्द यहाँ नहीं पड़ेंगे तो सुनाई नहीं दे सकते। स्पर्श इंद्रिय का भी वो स्पर्श होगा तो ज्ञान होगा, ठंडी गर्मी जो भी चीज। तो इसलिए पांचों इंद्रियां जो है ये अपने नियत क्षेत्र के पदार्थों को जानती है, और बल्कि इनका इंद्रियों से भिड़ान होती है तब वो जानती है, बिना इंद्रियों की भिड़ान भी नहीं जान पाएंगे। और अवधि ज्ञान ऐसा नहीं, क्योंकि यदि अवधि ज्ञान भी ऐसा हो कि वो इंद्रियों के द्वारा ही जाने तो जितनी इंद्रियों का नियत क्षेत्र होगा उतने ही क्षेत्र को जानेगी, और वो भी इंद्रियों के उसका भिड़ना होगा पदार्थ का तो ही जान पाएगा। मैंने रसगुल्ले का ज्ञान करने के लिए रसगुल्ले को मुंह में आना चाहिए, यदि मति ज्ञान से रसगुल्ले का ज्ञान कर रहे हो तो, और मति ज्ञान से न करके यदि अवधि ज्ञान से रसगुल्ले का ज्ञान करेंगे तो फिर वो इंद्रियों से नहीं जानेगा, क्योंकि इंद्रियों से जानने में तो फिर उसको वही होना चाहिए, वो रसगुल्ले का क्षेत्र जीवाणु होनी चाहिए, फिर मति ज्ञान में उसमें अंतर भी नहीं रहेगा कुछ। तो इसलिए रसगुल्ला तो रसगुल्ले के पास जाए नहीं, हम रसगुल्ले का स्वाद का ज्ञान कर सकते हैं, यहाँ बैठे रहो आप तो आराम से अवधि ज्ञान से आप जान सकते हैं। हाँ ये मीठा बहुत है इसलिए हमको पसंद नहीं, ले जाओ सर आपने चखा तो ही हमने कह दिया ना मिठाई, क्योंकि उस उद्गल है ना, उद्गल को जानता है, उद्गल की गुणों को जानता है।
राम रावण अपने को दिखेंगे अभी अवधि ज्ञानी हो और उसकी इतनी सीमा हो काल की, तो मैं यही बैठे बैठे युद्ध देख सकता अवधि ज्ञान के बाद क्या हो रहा है, ये तीर छोड़ा ये हो रहा है। महाभारत रामायण जो भी हुई ना इन लोगों की, पद्म पुराण बोलना चाहिए, रामायण महाभारत बोलना, पद्म पुराण हुआ, हरिवंश पुराण का युद्ध हुआ, तो अवधि ज्ञान के लिए सब गम है। क्यों गम है? क्योंकि वो इंद्रिय मन से नहीं जानता। मैं बात तो ये समझाना चाहता था कि इंद्रिय और मन से यदि कोई ज्ञान जानेगा तो एक नियत क्षेत्र और नियत वर्तमान में स्थित पदार्थ को जानेगा, लेकिन जो इंद्रिय और मन के बिना जानता है उसी ज्ञान में सामर्थ्य है कि वो नियत क्षेत्र के बाहर की बातों को भी जान सकता है और वर्तमान काल के अलावा भूत और भविष्य की बातों को भी जान सकता है और स्पष्ट जानता है, अस्पष्टता नहीं होती उस ज्ञान में। आप क्यों मन से जान लेता होगा, मन मत नहीं है, मन से तो अस्पष्ट है, मन से जो आपने विचार किया वो तो अस्पष्टता है, सच्चा भी है झूठा भी हो सकता है, लेकिन ये जो अवधि ज्ञान है तो पदार्थ को जैसा का तैसा जानता है। आप यदि राम रावण के युद्ध का चिंतन करोगे आप अपनी कल्पना से जो भी कुछ चिंतन करोगे सच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अवधि ज्ञानी जो राम रावण का युद्ध देखेंगे, लक्ष्मण रावण का युद्ध देखेंगे, वो बिल्कुल सच्चा ही होगा, जानने में विपरीतता नहीं। क्या भाव वो मन प्रेम क्या ही है समझ में ना, कुछ गल को जानते हैं वो रूपी पदार्थों को, दूर स्थित रूपी पदार्थों को भी जान लेंगे, भूत भविष्य में जो रूपी पदार्थ हो उसको भी जान लेंगे, लेकिन उसकी एक सीमा है, भूत भविष्य की भी एक सीमा है, क्षेत्र की भी एक सीमा है, द्रव्य कितने सूक्ष्म द्रव्य को जानेंगे उसकी भी एक सीमा है, कितनी पर्यायों को जानेंगे उनकी भी एक सीमा है, इसलिए उसका दूसरा नाम है सीमा ज्ञान। अवधि ज्ञान कोई ऐसा नहीं कि वो केवल ज्ञान जैसा सब कुछ भविष्य को समस्त अतीत और अनागत को जान ले, जानता तो है भूत भविष्य काल की बातों को, लेकिन उसकी एक लिमिट है, अपनी उसकी एक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादा से बाहर की बातों को नहीं जान सकता, और चारों तरफ से मर्यादा में बंधा हुआ है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, चार प्रकार की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट प्रत्यक्ष आत्मा के द्वारा जानता है, बिना इंद्रिय और मन की सहायता के जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या? बिना इंद्रिय मन की सहायता के रूपी पदार्थों को, द्रव्य क्षेत्र की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह अवधि ज्ञान का बहुत वर्णन कितने ये है, देखो वहां देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है, देव नारकियों में सबके जो भी देव पर्याय में उत्पन्न होता है उनका अवधि ज्ञान होता ही है, मिथ्या दृष्टियों का वो अवधि ज्ञान विभंग अवधि ज्ञान कहलाता है, सम्यक दृष्टियों का अवधि ज्ञान सु अवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान कहलाता है, लेकिन अवधि ज्ञान सबको होता है, मतलब अपने मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान को नाम हो दिया लेकिन अवधि ज्ञान है कि नहीं उसको, अवधि ज्ञान हो भले लेकिन अवधि है कि नहीं, सभी देव नारकियों को है अवधि ज्ञान, सब नारकियों को, सारे जितने भी नारकी होते हैं सारे नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, उत्पत्ति के अंतर्मुहूर्त में प्रकट हो जाता है और मरण पर्यंत तक रहता है, ऐसा है, उसको कहते हैं भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। क्या नाम है उसका? प्रत्यय माने कारण, भाव ही जिसमें कारण, माने देव नारकी का भाव मिल जाएगा तो वो नियम से अवधि ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, वो भाव ही उसमें कारण हो गया, बस वो भाव मिल गया ना आपको, बस आप इलिजिबल हो अवधि ज्ञान के, आपको मिल जाएगा। जैसे कबूतर होता है, कबूतर को कबूतर का भाव मिल गया ना तो बस उसमें उड़ने की शक्ति है, उड़ जाएगा वो, उसको कबूतर का भाव मिलना ही उसके उड़ने का कारण,
ऐसे देवदार की पर्याय मिली है तो अवधि ज्ञान मिलेगी, पर्याय ही अवधि ज्ञान का कारण है, भाव ही कारण है जिसमें, उसे कहते हैं भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और मनुष्य और तिरंचो में जो होता है भाव से नहीं होता, मनुष्य तिरंचो में केवल एक ही जीव है जिसको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, कौन है वो? तीर्थंकर का जीव। तीर्थंकर यदि है तो वो तीर्थंकर का भाव ही उसके अवधि ज्ञान होने में कारण है, तो तीर्थंकर के जीव को नियम से जन्म से अवधि ज्ञान होता है, तीर्थंकर का भाव ही अवधि ज्ञान के अंदर कारण है। वो तीर्थंकर का यदि भाव धारण किया उसने, मैंने उसी भाव से तीर्थंकर होके मोक्ष जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति है उसकी सत्ता में और उसी भाव से जाएगा तो वो मोक्ष जाएगा, तो वो अवधि ज्ञान लेकर ही उत्पन्न होगा। जन्म से तीन ज्ञान के धारी होते हैं, मति श्रुत और अवधि, पढ़ा भी नहीं है, मति श्रुत अवधि विराजत, सब स्तुतियों में सब आता है क्या? तो ये तीन ज्ञान के धारी होते हैं, उनको भी भाव ही कारण है, माने वो तीर्थंकर का भाव है तो सम्यक दर्शन नहीं है, वो अवधि ज्ञान नियम से हो ही होगा। तीर्थंकर प्रकृति पहली बांध रही है और यहाँ मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है तो उसको नियम से अवधि ज्ञान सही उत्पन्न होगा। तो तीर्थंकर और देवदार की ये भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, और अन्य जो मनुष्य तिरंच है उनका जो अवधि ज्ञान है वो गुणों के निमित्त से होता है। वो गुण कौन से हैं बताया था मैंने प्रश्नों से, सम्यक दर्शन, संयम, इन गुणों के निमित्त से होता है, इसलिए उसे कहते हैं गुण प्रत्यय, गुणों के कारण से होगा। अन्य सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो होगा, संयम होगा देश द्रव्य संयम भी होगा तो उसके निमित्त से प्रकट होगा, इसलिए जिसमें गुण कारण है गुण प्रत्यय। तो मनुष्य तिरंचो को भाव होने से नहीं मिल जाएगा, मनुष्य तिरंचो को गुण होने से मिलेगा, और देवदार की तीर्थंकरों को भाव ही उसमें कारण है। आने की नहीं समझ में, इसलिए लिखा है कि देवदारकियों में तो सबको पाया जाता है, सबको बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में सिस्टम डला बाय डिफॉल्ट, जैसे देवदारकी यदि उत्पन्न हुआ है तो सबको ही अवधि ज्ञान है। तथा संगी पंचेंद्र तिरंच तथा मनुष्यों के भी किसी, मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है, संगी पंचेंद्र तिरंच, तिरंचों में मिलेगा तो किसको मिलेगा? संगी होना चाहिए, संगी पंचेंद्र तिरंच को, तिरंच कितने प्रकार के होते हैं? तिरंच कितने प्रकार के होते हैं? पांच इंद्री वाले होते हैं ना, एक इंद्री, तीन इंद्री, असंगी पंचेंद्र, इनको तो नहीं होता किसी को, इसको होगा संगी पंचेंद्र। और मनुष्यों में असंगी को हो सकता है, मनुष्य असंगी होते हैं, इसलिए मनुष्यों में नहीं लिखा उन्होंने, संगी पंचेंद्र तिरंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है, किसी किसी को इसमें मिल जाता है, जिसमें गुण होते हैं ऐसे किसी संगी पंचेंद्र तिरंच और मनुष्यों के भी अवधि ज्ञान पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों के यहाँ होता ही नहीं है, सो यह भी अब देखो आगे, यह तो ठीक है इसका स्वरूप बताया, असली बात तब बता रहे, सो यह भी शरीर आदि कुदगलों के अधीन है, ये भी ऐसा नहीं है, तो एक तो क्षयोपशम के अधीन, जितना क्षयोपशम होगा उतने जाने, और ये भी शरीर के कुछ, शरीर के अंदर कुछ चिन्ह होते हैं वहां से उत्पन्न होता है, जैसे नाभि के वहां शंख कलश शुभ चिन्ह होते हैं वहां से उत्पन्न होता है, वहां से जानता होता है, किसी के सर्वांग में होता है, किसी के चिन्हों से होता है, जैसे शरीर आदि के अधीन है वहां से होगा, और क्षयोपशम के अधीन है सबसे, जितना क्षयोपशम होगा उतना ही जाने, क्षयोपशम से अधिक नहीं जाने, जितनी उसकी मर्यादा है उतने वो जानेगा। और इसके तीन भेद है फिर, इसके भी कौन कौन से? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। गुण प्रत्यय कितने प्रकार का हो सकता है इसमें? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि में से गुण प्रत्यय कितने भेद हो सकते हैं? बताओ, अब बताओ, ये कोई भी बड़ा छोटा सब तरह के लोग आंसर दे सकते हैं, बताओ, अब पूछ रहे हैं, बीच में तो कोई बोलते रहते हैं,
गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के जो है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान इन तीन में से कौन कौन सा हो सकता है? दो कौन कौन से? परमावधि सर्वावधि देशावधि नहीं होगा। और चलो तीनों हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है कि एक भी नहीं हो सकता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है? सर्वावधि और परमावधि बोल रहे हैं और दो हो सकते हैं और सबके दो ही आंसर है। कितने हो सकते हैं? तीनों हो सकते हैं। अरे जब परमावधि सर्वावधि हो सकता है तो देशावधि होने में क्या दिक्कत है? देशावधि तो हो ही सकता है, देशावधि तो बहुत कम वाला है। तो गुण के कारण से हुआ है तो कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है तो कम क्यों नहीं हो सकता? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों तरह की संभावना है उसमें। थोड़ा सा गुण होगा है ही नहीं जैसे किसी के गुण कुछ भी, तो थोड़ा सा ही गुण आया तो थोड़ा सा गुण आएगा तो थोड़ा ही होएगा ना। जब नहीं से थोड़ी सी भी गुणों की वृद्धि हुई तो थोड़ा ही होएगा उसको। ऐसा नहीं कि इतना गुण होएगा तो ही होएगा, जरा से गुण से जरा सा जाएगा। तो देशावधि परमावधि और सर्वावधि ये तीनों ही गुण प्रत्यय में लगते हैं। और प्रत्यय कितने प्रकार का हो सकता है? क्यों भाव प्रत्यय कितने प्रकार का हो सकता है? पढ़ाया नहीं तो दिमाग तो लगा सकते हो ना। क्वेश्चन तो सिंपल है, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि परमावधि और सर्वावधि इन तीन में से कौन कौन सा हो सकता है? सही आंसर दिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ हाँ, क्या नाम, क्या है, क्या नाम है? हाँ विनीत। अच्छा ये बताया विनीत ने, एक हो सकता है, एक हो सकता है। कौन सा हो सकता है? देशावधि होगा, भाव प्रत्यय होगा तो नियम से एक ही प्रकार का होगा। कौन सा? देशावधि। परमावधि और सर्वावधि नहीं हो सकता भाव प्रत्यय। परमावधि और सर्वावधि किसको होता है? परमावधि है मन परिज्ञान वाले को होता है। चलो और अभी क्या सुनते रहो आपका आराम से। जब परमावधि और सर्वावधि ज्ञान तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को ही होता है, उसके लिए मना पड़ा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। बिना मना पड़ा ज्ञान के भी सर्वावधि परमावधि हो सकता है। उसकी शर्त जो है वो ये है, तद्भव मोक्षगामी महामुनिराज उनके ही परमावधि और सर्वावधि होता है। परमावधि सर्वावधि जिसको होता है वो उसी गौ से नियम से हो गया। मुनिराज की होगा, मुनिराज में भी विशिष्ट उत्कृष्ट चारित्र के धारी माने वृद्धिगत चारित्र के धारी माने जिनकी विशुद्धि निरंतर बढ़ती हुई है, घटती नहीं है। क्या वृद्धिगत विशुद्ध चारित्र के धारी और महामुनिराज मतलब अत्यंत महावीतरागी परम वीतरागी ऐसे किसी मुनिराज को परमावधि सर्वावधि होता है। जिनके होता है वो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते जाते, इसलिए इस काल में तो कोई सवाल नहीं उठता। परमावधि सर्वावधि का तो कोई रोल ही नहीं, देशावधि नहीं होता खेल अभी तो किसी को भी, क्योंकि इस काल में अवधि ज्ञान नहीं होता। वो एकाध कोई अपवाद बात अलग है, एकाध हजार साल में किसी को हाँ नियम हो गया। ये सब 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 64 की 64 वृद्धि खत्म। ये सपना आया एक चंद्रगुप्त मौर्य को, सिद्धिधारी मुनिराज अग्नि होंगे, वैमानिक देव ज्ञानी आएंगे, क्षत्रियों में धर्म भी रहेगा, राजा जो है वो नीच कुल वाला बनेगा, सोने की थाली में कुत्ते खीर खाएंगे, सब है ये सारे लिखे। अकाल पड़ेगा, दक्षिण में थोड़ा धर्म रहेगा, जैन धर्म में अनेक भेद प्रभेद हो जाएंगे, सब लिखा है। अभी तो 2500 में बहुत कुछ देख रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना बचा है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए देशावधि परमावधि जो है परमावधि सर्वावधि वो भाव प्रत्यय वालों का नहीं होता। भाव प्रत्यय वालों का नहीं होता क्योंकि देवनाथ के दोनों असंयम ही है। तीर्थंकर भी जब जन्म से तो असंयम है ना,
इसलिए वो भव प्रत्यय वाले देशाओं के होते हैं और गुण प्रत्यय वाले तीनों होते हैं। और भी इनके भेद हैं, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के और भी 6 भेद हैं, वो सबको याद है, वो मैं पूछूंगा नहीं किसी, वो एक एक महिला को याद है। अनुगामी अनुगामी वर्धमान अवस्थित अनवस्थित, ये क्या दिक्कत है, जो पढ़ा लिखा होता है ना थोड़ा बहुत भी, वो नई बात उसको सुनना बहुत मुश्किल पड़ती है, दिमाग में वो जो पढ़ी चीज है वही चलती रहती है। 6 होते हैं, ये 3 कौन से हो जाती है बस। ये नई चीज सुनने के लिए पहले की चीज पढ़ी हुई जो है ना उसको एक कोने में रखो अभी, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है वो ख्याल में है लेकिन बात बाद में बताएंगे। होते ना गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 वेद भी कहे, कौन कौन से हैं, अनुगामी अननुगामी। अब तो बोलो चलो 6 वेद बता, कौन बताएगा 6 वेद बताओ, दो तो बता दिए नाम मैंने, वर्धमान धीमान, और ये बताओ कौन से और दो हैं, अवस्थित और अनवस्थित, ये दो है ना। तो इसमें देखो पहला वाला कौन सा है, अनुगामी। अनुगामी माने अनुगमन करे, साथ में जाए, जैसे इस भाव में किसी का अवधि ज्ञान हुआ तो अगले भाव में भी साथ जाए तो अनुगामी भवानुगामी, और अगले भाव में साथ नहीं जाएंगे कहीं ले जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनुगामी। भाव में साथ जाए वो अनुगामी, और क्षेत्र में साथ जाए, जैसे इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ तो इस क्षेत्र में तो रहे लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में जाए तो वहां वो नष्ट हो जाए, तो और या फिर दूसरे क्षेत्र में जाए तो रहे साथ में, दूसरे क्षेत्र में जाने पर भी अवधि ज्ञान रहे, क्षेत्र गति भाव नहीं कर क्षेत्र, जैसे अभी इस क्षेत्र में है तो ज्ञान है, क्योंकि जैसे दूर क्षेत्र में चले गए तो वो ज्ञान नहीं रहा, अथवा रहा तो रहा तो क्या कहलाएगा, क्षेत्रानुगामी, और दूसरे क्षेत्र में जाने पर नहीं रहा तो क्षेत्र अनुगामी, जैसे भव अनुगामी क्षेत्र अनुगामी, और भव अनुगामी और क्षेत्र अनुगामी, समझ आ रही है। और तीसरा एक और हो सकता है, भव और क्षेत्र दोनों अनुगामी और भव और क्षेत्र अनुगामी, दोनों अनुगामी, माने भव बदल जाए क्षेत्र बदल जाए कुछ बदल जाए साथ जाएगा ही जाएगा क्या, और दूसरे में वो साथ नहीं जाए, सुनना ऐसा है, भाव बदलने पे नहीं जाए, क्षेत्र बदलने पे नहीं जाए, दोनों बदलने पे नहीं जाए, दोनों सब इस वेरिएशन में उसका भवानुगामी क्षेत्रानुगामी भाव क्षेत्र अनुगामी भवानुगामी क्षेत्र अनुगामी, ऐसे सब भेद है, समझ आ रही नहीं आ रही बात, अरे दोनों बदल जाएंगे तब नहीं जानेगा, एक बदलेगा नहीं जाने। ऐसे इसके अनुगामी अनुगामी दो भेद हो गए, दूसरे दो भेद है वर्धमान, चंद्रमा की कलाएं जैसे निरंतर बढ़ती है ऐसा जो अवधि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे उसका नाम क्या है, वर्धमान। और जैसे चंद्रमा की कला घटती भी दूर से पूनम तक तो क्या होती है, बढ़ती है, और अमावस्या है दूध से अमावस्या तक घटती भी तो बढ़ता हुआ हो निरंतर वो क्या कहलाएगा, वर्धमान। और जो अवधि ज्ञान निरंतर घटता हुआ होगा वो कहलाएगा हीमान, ऐसे वर्धमान और हीमान दो प्रकार। अवस्थित जैसा एक बार प्रकट हो गया अवधि ज्ञान वैसा का वैसे ही रहे तो क्या कहलाएगा, अवस्थित। और जैसा है वैसा वैसा ना रहे, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, एक सा न रहे क्या कहलाएगा, अनवस्थित। ऐसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं, कौन कौन से, अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीमान अवस्थित अनवस्थित। 6 उपशम निमित्त का नाम, 6 उपशम निमित्त षड् विकल्प शेषाणाम, 6 उपशम के निमित्त से 6 विकल्प होते हैं, छयोपशम निमित्त बोल दिया है, जैसा छयोपशम होता है वैसा होता है, मतलब जितना विकास होता है ज्ञान का उतने होता है बढ़ता हुआ, ऐसा विकास हो ज्ञान का कि बढ़ता रहे घटता रहे, ऐसा विकास ऐसा हो ज्ञान घटते ही रहे, तो इस प्रकार से ये छयोपशम के निमित्त से 6 भेद होते हैं। ये सब
ये अनेक प्रकार का है। अवधि ज्ञान की चर्चा करो तो बहुत हो सकती है। अभी इसमें नारकियों एक गति की चर्चा करो, नारकियों का अवधि ज्ञान कितना हो सकता है मैक्सिमम, नारकियों को मिनिमम अवधि ज्ञान कितना हो सकता है, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, फिर देव होते हैं, फिर नारकियों में, फिर एक एक नारकी की बात करो, पहले नरक के नारकी का कितना, दूसरे नरक का कितना, दूसरे का कितना, सात चौथे पाँचे छठे सातवें का कितना, सबकी सीमा है। अवधि ज्ञान तो है, पहले नारकी कितना जान सकता है, दूसरा नारकी पता है, नहीं पता है, हाँ सही होता है, चौका लगा दिया, चार कोस का, चार कोस ये याद है क्या, चार कोस जान सकता है कौन, पहले नारकी, पहले नरक का जो नारकी है चार कोस तक दूर, चार कोस दूर तक की बातों को भी जान सकता है, दूसरे नरक से फिर आधा आधा कोस घटता जाएगा, दूसरे नरक वाला कितना जानेगा, साढ़े तीन, तीसरे वाला तीन, सातवें वाला कितना जाएगा, अरे गणित कर लो घर पे कर लेना, चलो जो भी एक कोस हो जाएगा, एक कोस सातवें नरक वाले का एक कोस, ऐसे काल की अपेक्षा भी पहले नरक वाला कितना जानेगा, काल की अपेक्षा एक दिन बहुत हो गया, एक दिन तो एक दिन नहीं जान सकता पूरा, उत्कृष्ट बने पहले नरक वाला अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त से अलग नहीं जान सकता, जहाँ बैठा उसके आसपास का चार कोस, मैं यहाँ बैठा हूँ चार कोस इधर, चार कोस इधर, चार इधर, चार पीछे, बस काल अधिक से अधिक अंतर, अंतर मुहूर्त में अपन उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ले लो, भिन्न मुहूर्त 48 मिनट में एक समय कम माता, उससे ज्यादा नहीं, 48 मिनट पूरी नहीं जान सकता, 48 मिनट जानने की सामर्थ्य नारकी की नहीं, 48 मिनट पहले की नहीं जान सकता, 48 मिनट बाद की नहीं जान सकता, पहले नरक का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान भी यदि होगा तो वो 48 मिनट के अंदर अंदर, क्षेत्र भी यदि उत्कृष्ट हो तो कितना होगा, चार कोस, ऐसे देवों के हैं, देव कितने प्रकार के होते हैं, देव कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, कौन कौन से, वनवासी, अंतर, ज्योतिषी, इनका अलग अलग है सबका, भवनवासियों का, अंतरों का, ज्योतिषों का, मानी तत्वार सूत्र की किताब एक भी नहीं बची, एक आध तो मिला नहीं होगी आज, एक बची एक आध तो इसी एक लिया, एक बची है, देशावधि जो है बहुत कम जानता है, परमावधि और ज्यादा जानता है, सर्वावधि बहुत जानता है, इनकी क्षेत्र काल की सीमाएं बढ़ती जाती है, उससे इनको डिफाइन किया है, सर्वावधि उत्कृष्ट वेद है, परमावधि बीच वाला है, देशावधि अल्प है, देश छोटा सा एक देश, देशावधि जैसे देश रथ, जैसे अवधि ज्ञान देश, देशावधि यदि ऐसा हो जाए तो सब नारकीय हो जाए, किसी अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं, किसी को कोई मदद नहीं मिलती इससे, देखो ज्ञान तो अभी बहुत है लेकिन वो ज्ञान बहुत होने से जरूरी तो नहीं कि वो शास्त्र को जानेगा, जिनवाणी को जानेगा, बुद्धि बहुत है लेकिन काय में लगी हुई है, इंजीनियरिंग पढ़ने में, डॉक्टरी पढ़ने में, कलेक्टर बनने में, बुद्धि या अवधि ज्ञान काय से काय में उपयोग करते हैं, घूमने फिरने में कहाँ घूमने की जगह अच्छी है, अवधि ज्ञान से बैठ के जाना, तो बुद्धि की कोई अधिकता होने से मोक्ष मार्ग लग जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि धन ये सब मोक्ष मार्ग है, इनसे कोई संबंध नहीं, धन अधिक हो जाएगा मोक्ष मार्ग लग जाएगा, अधिक होगा तो प्लानिंग करेगा घूमने फिरने की, तो अवधि ज्ञान से उससे कुछ नहीं होता,
कि वो अवधि ज्ञान अधिक होगा, क्योंकि उसकी वो उस जाति उसको पता ही नहीं है। पहली बात तो असंख्यात मतलब अनेक जीवों को तो ये पता ही नहीं कि ऐसा कोई मुक्ति का मार्ग भी है, चार गति भी है, संसार में दुख भी है, आकुलता भी है, मोह का उदय भी है, मोह राग द्वेष भाव से जीव दुखी होता है। आप एक सामान्य विचार करो, अपन तो यहाँ आ गए तो थोड़ा बहुत अपन पढ़ने लग गए समझने लग गए, लेकिन एक विचार करो कि जो चलता फिरता कोई आदमी है या जिसने समझ लो जैन धर्म में पैदा हो गया हो, जिसने कभी जिनवाणी पढ़ी नहीं हो, उसमें विचार भी आता है क्या कि चार गति है, अपने को संसार से छूटना है, अपन बहुत दुखी हैं, यहाँ अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं, मोह राग द्वेष अपने दुख का कारण है, आकुलता दुख है, ये विचार ही नहीं उत्पन्न होता। तो ज्ञान बहुत हो, सब कुछ उसके पास पावर प्रूफ हो, सब कुछ हो, लेकिन उससे उसका लाभ क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता है। वो बस अपने विषय भोग को बढ़ाने के लिए उसमें उपाय में लगा रहता है, कैसे अधिक से अधिक भोग भोगूं और कैसे अधिक से अधिक मेरा लोगों में नाम हो जाए, बस ये दो ही काम करता है। वो कोई ऐसा वही नहीं कि अपना इस भाव का कल्याण करके चले जाता है उससे, वो क्या सिद्धि क्या करता है? कुछ नहीं करता। इस भाव के अंदर ही थोड़ी बहुत चार जने उसको असलाम ठोक लग जाए, हो जाए, मतलब पुण्य का उदय उसके संसार काटने में उसको मदद नहीं करता है। और किसी के पुण्य का उदय न भी हो, लेकिन यदि इस जाति का उसका महाभाग्य का उदय हो कि वो ये समझ जाए कि भाई दुख का असली कारण क्या है, तो वो जीव दुख से छूट के मोक्ष चले जाता है। कोई भाग्य के दिया मैंने उसको, समझ में है ना? मैंने इसलिए तो जिनवाणी में कहा है कई बार कि असली पुण्य किसका नाम है, ये कोई सामग्री का नाम पुण्य का उदय नहीं है, जिस अपना कल्याण जिसमें वो अपने पुण्य का उदय। अब उससे मिल गया इसका बीज तो सही है। कहाँ पे? पूर्व में। पूर्व में देवों को नारकियों को सबको ही मिल रहा है ना, देव नारकियों में तो चाहे असंयम ही हो पहले, उससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ मिलेगा तो संयम से मिलेगा, वहां तो ही संयम से मिल रहा है, वहां तो भाव से मिल रहा है। भाव मिल गया तो है आपको, पर यदि है तो अब आप जानो जो भी जानने में नारकी है, लड़ने भिड़ने में अपना उपयोग करता है उसका। कौन घात लगा के बैठा है, क्या कहाँ कहाँ कितने लोग बैठे हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं है, लड़ने भिड़ने में उपयोग होता है उसका। विभंग अवधि, विभंग अवधि के तू अवधि कहो, विभंग अवधि, विभंग अवधि नाम है उसका शासन, विभंग विपरीत भंग पड़ा हुआ है जिसमें विपरीत है। देवों का भी है तो वो कोई वो नहीं है। दूसरी बात इसकी भी सब एक सीमाएं होती है, जितने क्षेत्र कालभाव की सीमा तो होती है, साथ में जब ये इसका उपयोग करते हैं तो ही वो प्रवर्तित होता है। निधर रखा हुआ है अपने स्टॉक में, मैंने तिजोरी में रखा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग करे तो वो प्रवर्तित होता है, उपयोग नहीं करे तो नहीं प्रवर्तित होता है। मैंने अवधि ज्ञान को सतत नहीं रहता है, जब उस अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं, लगाते हैं अवधि ज्ञान को तो वो ज्ञान होता है, और नहीं लगाते तो नहीं होता है। जैसे अपने को आँख से दिख ही रहा है, ऐसा अवधि ज्ञान से उनको दिख ही रहा हो ऐसी बात नहीं है, अवधि ज्ञान को जोड़ना पड़ता है, अवधि ज्ञान उसको उपयोग करते हैं तब वो होता है। तो ये है ये, कोई इससे और इससे रूपी पदार्थों को जानना होता है और रूपी को जानना नहीं होता, तो ये बात है। इसलिए अवधि ज्ञान होने ही से ही किसी को कल्याण हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। क्या भोग के लिए, पाप के फल के लिए, पाप पकड़ने के लिए, नरक में लड़ने के लिए, पुराना तो याद कहां से रहेगा, अंतर्मन पहले की तो याद ही नहीं है, एक मुहूर्त पहले का तो याद ही नहीं है ना। यह सिद्धांत की बात है। अब इसमें चारों प्रकार के देवों का भी सब अलग अलग दिया है, भवनवासी कितना जान सकते हैं, भवनवासी को जगन कितना है उत्कृष्ट कितना है, यंत्रों का जगन कितना है उत्कृष्ट कितना है। कई देव तो ऐसे हैं जिनको पूरे एक दिन का भी अवधि ज्ञान नहीं होता, ऐसे भी कई देव हैं जिनको पूरा एक दिन का भी अवधि ज्ञान नहीं होता। लोगों को लगता है बस अवधि ज्ञान देव हो गए, अवधि ज्ञान मिल गया, बस अब तो खूब जान सकते, खूब नहीं उनकी भी सीमा है, एक दिन आगे का नहीं बता सकते। तो पूछ लो उनसे, पूछो क्या उनको खुद को ही मालूम क्या बताएंगे।
इसमें सब दिया हुआ है, पढ़ना आप देव का वर्णन ना चौथे अध्याय में। पेज नंबर इसमें अच्छा आपके पास तो है नहीं, परंतु घर जाके जरूर देखा जा सकता है जिनके पास में भी ये दत्तवार सूत्र की जिनवाणी है। इसमें देवों का अवधि ज्ञान पूरा चित्र बना के दिया हुआ, पेज नंबर 76 और 77, 77 पेज पे, पेज नंबर 77 पे दिया है। कुछ कम एक दिन होता है अशोक कुमारों को छोड़कर, बाकी के जो नौ प्रकार के वनवासी है इनका कुछ कम एक दिन, ये जघन्य है। और क्षेत्र की अपेक्षा 25 योजन जघन्य, उत्कृष्ट तो असंख्यात हजार योजन जान सकते हैं, और नहीं तो असंख्यात वर्ष की भी जान सकते हैं उत्कृष्ट बने, लेकिन कम से कम जानेंगे तो कुछ कम एक दिन, एक दिन से थोड़ा कम, कम से कम होगा इनका नौ प्रकार के भवनवासी होगा, और अधिक से अधिक जानेंगे तो असंख्यात वर्ष आगे पीछे। क्षेत्र में 25 योजन कम से कम, और अधिक जानेंगे तो असंख्यात हजार योजन की बात जान सकते हैं। इतने यंत्रों का भी ऐसे ही है, ज्योतिषियों का थोड़ा ज्यादा है, यंत्रों से इन बहुराशी यंत्रों से संख्या गुणा है क्षेत्र, और काल भी उनसे यंत्रों से ज्यादा है, और अशोक कुमार का बहुत होता है, अशोक कुमार का संख्या करोड़ योजन अधिक से अधिक जाने तक, कम से कम और अधिक से अधिक असंख्या वर्षों को जान सकते हैं। ये सब दिया है इसके अंदर, कितना जान सकते हैं, ये सब कितने सागर की जान सकते हैं, कितने सागर की एक के लिए पल, कितने वर्षों की, कितने वैमानिक का बोध होता है। क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो डेढ़ राजू, साढ़े तीन राजू, पहले दूसरे स्वर्ग वाले जो है वो साढ़े तीन राजू जान सकते हैं, नहीं साढ़े तीन राजू नहीं डेढ़ राजू, डेढ़ राजू, डेढ़ राजू तक जान सकते हैं पहले दूसरे स्वर्ग के, डेढ़ राजू, दूसरे स्वर्ग तीसरे चौथे स्वर्ग तक चार राजू, फिर उसके बाद में पांचवे छठे वाले साढ़े पांच, सातवें आठवें वाले छः, नौवें दसवें वाले साढ़े सात, ग्यारहवें बारहवें वाले आठ, तेरह चौदह साढ़े नौ, पंद्रह सोलह दस, नौ ग्रह ग्यारह कुछ अधिक ग्यारह राजू, नौ अनुदेश कुछ अधिक तेरह राजू, पांच अनुत्तर कुछ कम चौदह राजू, फिर त्रस नाड़ी जान लेते हैं। अनुत्तर से ऊपर जो उनका सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान होता है, विमान का जो शिखर होता है, शिखर ध्वज दंड उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो नीचे तो पूरा जानते हैं, ऊपर जो थोड़ा सा छेद बच गया, क्योंकि उसके ऊपर 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, 8 योजन की सिद्ध पृथ्वी, सिद्ध भूमि, सिद्ध शिला जिसमें है, तो 12 योजन और 8 योजन 20 योजन जो ऊपर क्षेत्र छूट गया वो कुछ कम हो गया, और नीचे तो पूरा जान ही रहे, क्योंकि ऊपर की नहीं जान सकते, सबकी मर्यादा है ऊपर अपने विमान के शिखर की ध्वजा तक, ध्वज दंड तक जान सकते हैं, अपने विमान के शिखर के ध्वज दंड से ऊपर कोई नहीं जान सकता। अवधि है नीचे तो प्रवर्तित होता है, ऊपर अपने विमान के शिखर तक ही होता है। अरे देवताओं में क्या व्यवस्था है कि आप नीचे के देवों की बात जान सकते हैं, ऊपर की नहीं, ऊपर प्राइवेट, ऊपर की प्राइवेसी भंग नहीं होती, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाले ही जानेगा या उसके ऊपर वाला। नीचे क्या होता है, एक एक पृथ्वी बढ़ती जाती है, जैसे डेढ़ डेढ़ राजू में सोधन विशाल है, तो डेढ़ राजू पूरा जान, इधर पहली पृथ्वी तक ही जान सकते हैं, पहली पृथ्वी यही आ गई तो डेढ़ राजू तक जान, फिर दूसरी पृथ्वी तक जान सकते हैं तीसरे चौथे वाले, तो दूसरी पृथ्वी तो एक राजू नीचे है, दूसरी पृथ्वी तो एक राजू वो डेढ़ ऊपर और बढ़ गया, डेढ़ राजू में उनके निवास है, तो सुदर्शन डेढ़ और डेढ़ उनका ऊपर और तीसरे चौथे का,
तो डेढ़ और डेढ़ तीन और एक नीचे का चार ऐसे पढ़ता जाता है, ऐसे पेट पढ़ता जाता है। समझ में आ रही रेंज, रेंज बढ़ रही। और क्षेत्र की बात करो, ये तो क्षेत्र की बात हुई, काल की अपेक्षा से देखो तो ये असंख्यात करोड़ वर्षों की जानते हैं, असंख्यात करोड़ वर्षों। कोई भी देव वैमानिक असंख्यात करोड़ वर्षों से कम की नहीं जानते, इतना तो उनका हृदय है। असंख्यात करोड़ों के पल्ले का असंख्यात भाग उत्कृष्ट बने जा सकते। पढ़ना है इसके अंदर सब दिया हुआ है, एक चीज मनुष्य और तिरंचो में क्या है, तिरंचो की भी एक तिरंच देशावधि होता है ना, देशावधि की सीमा क्या है, पल्ले एक समय कम पल्ले, यहाँ जाके देशावधि काल की अपेक्षा खत्म हो जाता है, क्षेत्र की अपेक्षा पूरा लोकाकाश को जानता है देशावधि, पूरा लोकाकाश क्षेत्र अपेक्षा, एक समय कम पल्ले काल अपेक्षा, और उससे असंख्यात गुना परमावधि का जगत में भेद वाला भी जानता है, और परमावधि के असंख्यात भेद है, हर एक भेद में असंख्यात गुना बढ़ता जाता है, और सर्वावधि जो है वो असंख्यात लोक हो ऐसे उनको जान लेता है, और असंख्यात कल्प काल माने असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर आगे पीछे की बातों को जान लेता है, और द्रव्य में एक परमाणु को भी जान लेता है। परमाणु को जानने की ताकत सर्वावधि ज्ञान के अलावा किसी की नहीं होती, परमावधि भी परमाणु नहीं जान सकता, परमाणु को जानने की शक्ति किसकी है, सर्वावधि, वहां जाकर सर्वावधि ज्ञान माने सर्वावधि ज्ञान पर जाकर अवधि ज्ञान फिनिश हो जाता है, उससे ज्यादा कोई सीमा नहीं होती, परमाणु के बाद क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये सब है। थोड़ा पढ़ना और घर जाके इसमें अवधि ज्ञान का वर्णन है, इसमें गोमर सार के अंदर है ज्ञान मार्गणा में, और तत्वार सूत्र में गुण वर्णन दिया हो, तो इनमें थोड़े क्षेत्र कालभाव की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, क्या थोड़े से काल की मर्यादा, थोड़े क्षेत्र काल को जानता है, थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लिए हुए किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला कौन है, देशावधि। सो ही किसी जीव के होता है, वो देशावधि किसी किसी के होता है, सबके नहीं हो रहा, मतलब वो देवनागरी में तो सबको हो रहा है, मनुष्य त्रियंचो में तो किसी किसी की होता है, अभी तो किसी के ही नहीं हो रहा है। तथा परमावधि सर्वावधि और मन पर्याय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं, ये ज्ञान मोक्ष मार्गियों को प्रकट होते हैं, यानी ये ज्ञान जिसको हो गए, एक तो परमावधि सर्वावधि वाला तो उसी भाव में चले जाएगा, और मन पर ज्ञान में यदि विपुल मति मन पर ज्ञानी होगा तो वो भी उसी भाव में चला जाएगा, और ऋजु मति होगा तो वो भी अल्पकाल में मोक्ष चला जाएगा। ये तो सब मोक्ष मार्गियों के होते हैं, और मोक्ष मार्गियों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो संसार की क्या दशा है उसका वर्णन कर रहे हैं, कि ज्ञानावरण के उदय से जीव की कैसी दशा हो रही, संसारियों की हो रही है, जो मोक्ष मार्गी को तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो ही गई ना, अब उसकी क्या बताएगी, उसकी क्या दशा हो रही है, उसकी जो हो रही सो हो रही हो, वो तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर चुका है, जिन्होंने नहीं किया उनकी बात बता रहे, दुर्दशा उनकी क्या हो रही है बता रहे। और केवल ज्ञान स्वयं मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं, भाई ये तो किसी को पाए नहीं जाते ना, ये जिसको हो जाए तो वो तो संसार अवस्था का अभाव पड़ चुका है, केवल ज्ञान हो गया हमें संसार का अभाव हो गया, और अवधि देश परमावधि सर्वावधि मन पर ज्ञान हो रहे हैं वो करने वाला है, इसलिए उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ तो जो ज्ञान सामान्य संसारी जीवों को पाए करते हैं उनकी बात है, तो वो है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान में देशावधि, बाकी परमावधि सर्वावधि मन पर ज्ञान की तो बात ही नहीं है, केवल ज्ञान तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, इसलिए उसकी भी यहाँ चर्चा है, इसलिए यहाँ उसकी चर्चा नहीं, वो उनकी चर्चा तो उनके लिए करेंगे जिनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई,
या तो संसारी जीव के रोग बता रहे हैं कि संसारी जीव को कर्म बंधन रूपी रोग है, उस रोग से उसकी कैसी दशा हो रही है वो बात कर रहे हैं। जो रोग से मुक्त हो गया उसकी चर्चा ही, मोक्ष मार्ग की जीव ये सब तो रोग से मुक्त हो गए कौन, परमावधि सर्वावधि मन पड़े वाले। ये यहाँ तक इस प्रकार ज्ञान का टॉपिक पूरा हुआ। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, मैंने ऐसी तो ज्ञान की दशा हो रही है संसारियों की। अब आगे बताएंगे कि इनके दर्शन की प्रवृत्ति कैसी है। तो दर्शन कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का है दर्शन, दो कौन से, ये तो मालूम है, हाँ ये तो कितने प्रकार का है दर्शन बताओ, नाम कौन कौन, नाम याद है, चार है ना, आगे वाले फ्रंट बताओ, चार जने मिलके बता दो, चार कौन कौन से नाम तो पढ़ना पड़ेगा, ये नाम दिए तीन तो यही चार ही दिए नाम, घर पे पढ़ाई करो। इसे पढ़ा चुके हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण के भेद पढ़ाए थे कि नहीं, दर्शनावरण के कितने भेद होते हैं, दर्शनावरण में कितने भेद होते हैं, सेकंड भेद दर्शनावरण में कितने भेद है, कल पढ़ के आना भैया ये सब, अभी अपन यही रखते हैं यहीं तक, कल के लिए होमवर्क है ये सब पढ़ के आओ, दर्शनावरण कल्प के कितने भेद है, दर्शन के कितने भेद है, तो कोई फायदा नहीं है ये सब करने से।